विषय स्कूल द्वारा चालू किए गए ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। जैसे कि कक्षा 10th को मैं नियमित रूप से संस्कृत अध्ययन करा रहा हूँ और संस्कृत में प्रत्यय चल रहे हैं, तो आज पहले आपको मैं कृत प्रत्यय कराया, तद्धित प्रत्यय कराया, तद्धित प्रत्यय करा रहा था। आज तद्धित प्रत्यय का आखिरी दो प्रत्यय है। और कितने प्रत्यय है? दो प्रत्यय। ये ध्यान से देखिएगा, एक तो त्व प्रत्यय है और एक तल प्रत्यय है। दोनों प्रत्ययों को आज हम साथ में ले रहे हैं, त्व प्रत्यय और तल प्रत्यय, दोनों प्रत्ययों को हम आज साथ में लेंगे। ठीक है, त्व प्रत्यय और तल प्रत्यय, इन दोनों प्रत्ययों को साथ में लेंगे। थोड़ा सा डिफरेंट है, उदाहरण सेम ही चलते हैं। इसी उदाहरण पे त्व प्रत्यय भी अपना क्लियर हो जाएगा और तल प्रत्यय भी क्लियर हो जाएगा। तो पहले हमें ये जानना जरूरी है कि त्व और तल प्रत्यय जब आता है तो इनको मूल शब्दों के साथ कैसे प्रयोग में लेते हैं। तो आपको बता दें कि त्व प्रत्यय हमेशा नपुंसक लिंग में होता है और तल प्रत्यय हमेशा स्त्रीलिंग में होता है। ये दो बातें ध्यान रखिए, त्व प्रत्यय नपुंसक लिंग में होता है और तल प्रत्यय स्त्रीलिंग में होता है। ठीक है, अब त्व प्रत्यय का, त्व प्रत्यय का मूल शब्दों के साथ, मूल शब्दों के साथ त्व के स्थान पर त्वम जोड़ते हैं, जोड़ते हैं, यानी त्व प्रत्यय आ जाए। ठीक है, त्व प्रत्यय आ जाए तो त्व प्रत्यय के स्थान पर मूल शब्दों के साथ स्थान साथ क्या जोड़ते हैं? त्वम जोड़ते हैं, क्योंकि नपुंसक लिंग में होता है। अगला है तल प्रत्यय। अब मान लो तल प्रत्यय आ जाए, तल प्रत्यय का, तल प्रत्यय का मूल शब्दों के साथ, मूल शब्दों के साथ साथ तल का, तल के स्थान पर, स्थान पर तल के स्थान पर ता जोड़ते हैं, ता जोड़ते हैं। ठीक है, ये दो बातें हमें ध्यान रखना है। त्व प्रत्यय का मूल शब्दों के साथ में क्या जोड़ा जाता है? त्वम जोड़ा जाता है। तल प्रत्यय का मूल शब्दों के साथ में क्या जोड़ा जाता है? ता जोड़ा जाता है। अब जैसे एक यहां लिखता हूं, त्व प्रत्यांत, यानी त्व प्रत्यय से बनाए हुए उदाहरण, और यहां लिखता हूं तल प्रत्यांत, तल प्रत्यांत, यानी तल प्रत्यय से बनाए हुए उदाहरण, दोनों हम साथ में करेंगे। अब पहले मनुष्य प्लस त्व, पहले क्या है? मनुष्य प्लस त्व, तो त्व को क्या जोड़ेंगे? त्वम। तो मूल शब्द, पहले तो मूल शब्द है मनुष्य, त्व का क्या जोड़ेगा? त्वम, तो यहां त्वम लिख देते हैं, तो क्या बन गया? मनुष्य त्वम। त्व प्रत्यय में क्या बन गया? त्व प्रत्यंत क्या बने? मनुष्य त्वम। अब इसी को तल प्रत्यंत में ले जाएंगे तो तल का क्या जुड़ेगा? तल का क्या जुड़ेगा? ता। इसका तो त्वम जुड़ गया, ठीक है, अब इसका क्या जुड़ेगा? ता। क्या जुड़ेगा? ता। तो यहां पहले लिखेंगे मनुष्य, यहां लिख दिया मनुष्य, अब तल का क्या जोड़ना है? ता जोड़ना है, तो यहां ता जोड़ दो, मनुष्यता। आपको पहले ही बताया नपुंसक लिंग में आधा म आता है और स्त्रीलिंग में आ का उच्चारण होता है, ठीक है ना? तो ये नपुंसक लिंग में बन गया त्व प्रत्यंत और तल प्रत्यंत स्त्रीलिंग में बन गया। अब उसके बाद में शिशु प्लस त्व, त्व का क्या जोड़ना है हमें? त्वम जोड़ना है। त्व का क्या जोड़ना है? त्वम जोड़ना है। और तल का क्या जोड़ना है हमें? ता जोड़ना है, तल का ता जोड़ना है। तो पहले त्व प्रत्यय, मूल शब्द है शिशु, मूल शब्द क्या है? शिशु है। त्व प्रत्यय जोड़ेंगे तो त्व के स्थान पर क्या जोड़ेंगे? त्वम। तो क्या बन गया? शिशु त्वम। अब तल प्रत्यय लेते हैं, तल प्रत्यय क्या जोड़ेंगे? ता। तो पहले मूल शब्द क्या है? शिशु, और तल का क्या जोड़ना है हमें? ता। यहां ता जोड़ देंगे तो क्या बन गया? शिशुता। त्वम प्रत्यय जोड़े तो शिशु त्वम बन गया, तल प्रत्यय जोड़े तो क्या हुआ? शिशुता हो गया। अब अगला है गुरु प्लस त्व, गुरु, मूल शब्द पहले लिखेंगे गुरु,
अब तो प्रत्यय जोड़ेंगे तो का क्या जुड़ जाएगा, तुम जुड़ेगा, तो का क्या जुड़ेगा तुम, तो यहां लिख देंगे तुम। तो प्रत्यय जोड़ने के बाद उदाहरण क्या बनेगा, गुरुत्वम। अब आते हैं स्त्री, सॉरी तल प्रत्यय। तल प्रत्यय में क्या जुड़ेगा, तल का ता जुड़ेगा। तो पहले मूल शब्द लिखते हैं गुरु, और तल का क्या जोड़ना है हमें, ता जोड़ना है। तो क्या बन जाएगा, गुरुता। क्या बन जाएगा, गुरुता। उदाहरण नंबर चार, लघु प्लस त्व और तल। त्व का क्या जुड़ेंगे, त्वम। त्व का त्वम जुड़ेंगे, तल का ता जोड़ना है, ठीक है। तो मूल शब्द पहले लिखते हैं त्व प्रत्यय में लघु, और त्व के स्थान पे हमें क्या जोड़ना है, त्वम। तो यहां लिख देंगे त्वम, बन जाएगा लघुत्वम। अब जब तल प्रत्यय जोड़ेंगे तो पहले मूल शब्द लघु और तल का हमें क्या जोड़ना है, ता। तो यहां ता लिख देंगे, तो बन जाएगा लघुता। क्या बन गया, लघुता। ऐसे ही पांचवा, देव प्लस त्व और तल। तो पहले मूल शब्द देव, देव लिख दिए, त्व का क्या जोड़ना है हमें, त्वम जोड़ना है, और तल का ता जोड़ना है। तो त्वम जोड़ते हैं तो क्या बन जाएगा, देव त्वम। अब तल प्रत्यय में आते हैं तो पहले मूल शब्द देव और तल का हमें क्या जोड़ना है, ता। तो यहां ता लिख देंगे, तो बन जाएगा देवता। अब उदाहरण नंबर छह, पशु प्लस त्व और तल। त्व का वही त्वम जोड़ना है और तल का ता जोड़ना है, ठीक है। तो पहले मूल शब्द लिखो यहां पे पशु, त्वम प्रत्यय, त्व प्रत्यय के स्थान पे त्वम जोड़ दो तो बन जाएगा पशुत्वम। अब उसके बाद तल प्रत्यांत में आ जाओ, दिया हुआ पशु, तल प्रत्यय के स्थान पे हमें ता जोड़ना है तो ता लगा दो तो बन जाएगा पशुता। उसके बाद सातवा, कृष्ण त्व और तल। त्व के स्थान पे हमें त्वम लगा के जोड़ना है और तल का ता जोड़ना है। तो पहले मूल शब्द लिखो यहाँ पे कृष्ण, त्वम प्रत्यय जोड़ेंगे कृष्ण त्वम। अब आ जाते हैं तल प्रत्यय में, मूल शब्द यहाँ लिखो कृष्ण और तल का क्या जोड़ना है, ता। तो क्या बन गया, कृष्णता। उसके बाद उदाहरण नंबर आठ, जड़ त्व और तल। त्व का हमें वही जोड़ना है त्वम और तल का ता। तो पहले मूल शब्द लिखते हैं जड़, त्व का त्वम जोड़ना है तो त्वम जोड़ देंगे तो बढ़ जाएगा, बन जाएगा जड़त्वम। अब आते हैं तल प्रत्यांत में, तो जड़ और तल का क्या जोड़ना है, ता। तो यहाँ ता लिख देंगे तो तल प्रत्यांत में बन जाएगा जड़ता। अब उदाहरण नंबर नौ, दीर्घ प्लस त्व और तल। त्व का हमें क्या जोड़ना है, त्वम जोड़ना है और तल का ता जोड़ना है। तो पहले मूल शब्द लिखते हैं दीर्घ, त्व का क्या जोड़ना है, त्वम। तो यहाँ त्वम लिख देंगे तो क्या बन गया, दीर्घ त्वम। अब तल प्रत्यय में चलते हैं तो दीर्घ, तल प्रत्यय में क्या जोड़ना है, तल का ता। तो यहाँ ता लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, दीर्घता। अब उसके बाद कवि, त्व का त्वम जोड़ना है, ठीक है, और तल का ता जोड़ना है। तो पहले मूल शब्द कवि, त्व प्रत्यय का त्वम जोड़ेंगे तो बन जाएगा कवित्व। अब इसी को तल प्रत्यय में ले जाएंगे तो पहले मूल शब्द लिखे यहाँ पे कवि और तल का क्या जोड़ना है, ता, बन जाएगा कविता। तो इस प्रकार से आज हम तद्धित प्रत्यय का आखिरी भेद त्व और तल प्रत्यय की बात ध्यान से दोबारा से रिपीट कर रहे हैं। त्व प्रत्यय का मूल शब्दों के साथ में हमें क्या जोड़ना है, त्वम जोड़ना है। यानी त्व प्रत्यय जब आएगा तो त्व को हटा करके त्वम जोड़ना है। त्वम क्यों होगा, मौ क्यों लग रहा है, क्योंकि त्व प्रत्यय हमेशा नपुंसक लिंग में होता है और नपुंसक लिंग को दर्शाने के लिए हलंत मौ का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। दूसरा बात तल प्रत्यय, तल प्रत्यय का मूल शब्दों के साथ तल के स्थान पे ता जोड़ा जाएगा। ता क्यों जोड़ा जाएगा, क्योंकि तल प्रत्यय हमेशा स्त्रीलिंग में उदाहरण इनके बनते हैं और स्त्रीलिंग में आ का उच्चारण कराया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से मैं त्व प्रत्यय के और तल प्रत्यय के दोनों साथ में उदाहरण करा दिया और आज इसी के साथ में अपना तद्धित प्रत्यय भी पूरा हुआ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।